एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आइए देखते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए खबर। राज्य के 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को जनवरी के वेतन से मिलेगा बढ़ी हुई सैलरी। देखेंगे वीडियो को विस्तार से। उससे पहले मैंने नियोजित टीचर न्यूज 2.0 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन अवश्य दबा दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। राज्य में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 4 लाख पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को चालू जनवरी माह के वेतन से बढ़ी हुई सैलरी की भुगतान की तैयारी है। इसके लिए शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों से जुड़ी जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड है। उसमें से जिन शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को त्रुटियां दिखाई दे रही है सुधार के लिए उनके द्वारा आपत्ति दर्ज की जा रही है। आपत्तियों के निराकरण के बाद शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के पे स्लिप पर अंतिम मोहर लगेगी। राज्य में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 4.25 लाख पंचायती राज एवं नगर निकाय के शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के मूल वेतन में 1 अप्रैल 2021 से 15% की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ी हुई राशि में शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन के निर्धारण के लिए NIC द्वारा ऑनलाइन कैलकुलेटर तैयार किया गया है। इसके लिए जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से सूचनाओं के संकल्प हेतु परपत्र तैयार किया गया है। परपत्र में जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा सूचना अंकित करने के बाद उसे NIC के वेब पोर्टल पर अपलोड किया गया। इसके लिए 31 दिसंबर तक की समय सीमा तय थी, उसके बाद उसे मेघा सॉफ्ट के माध्यम से शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के अवलोकन के लिए 3 जनवरी को खोला गया। अवलोकन के लिए 7 जनवरी तक की ही समय सीमा तय थी जो 14 जनवरी तक बढ़ गई है। जिन शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के मामले में त्रुटियां हैं उसमें सुधार के लिए जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आपत्ति दर्ज की जा रही है, इसका निराकरण किया जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार तय समय सीमा के तहत विद्यालयों को लॉगिन के मेघा सॉफ्ट के माध्यम से संबंधित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के द्वारा पे स्लिप डाउनलोड किया जाना है। इसे 2 प्रतियों में तैयार किया जाना है, 2 में से 1 प्रति सेवा पुस्तिका पर चिपकाया जाना है। तय प्रक्रिया के तहत पे स्लिप पर संबंधित शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना है। फिर प्रारंभिक विद्यालयों के मामले में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के मामले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के माध्यम से पे स्लिप सेवा पुस्तिका सहित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को दिया जाना है। उनके स्तर से अनुमोदित एवं हस्तांतरित होने के उपरांत सेवा पुस्तिका पर नियोजन इकाई के सदस्य सचिव को अवलोकन कराया जाना है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 1 अप्रैल 2021 कर भुगतान शुरू होने के बीच की बढ़ी हुई राशि शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को बकाया के रूप में अंतर राशि मिलेगा। वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।